नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के मकान में चोरों ने हाथ साफ किया है। आपको बताएं कि करीब 10 लाख के गहने और नगद की चोरी हुई है और ये चोरी मदन मोहन झा के दरभंगा स्थित मकान में हुई है। आपको बताएं कि बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर घर में एंट्री की, जिसके बाद इस बड़े चोरी को जाम दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के किरायेदार शंभू झा का, सुनवाते हैं आपको। चोरी तो हुई है और हमने सूचना दिए हैं। दरअसल कल मेरे चाचा का द्वादशा कर्म था। हम 5 बजे यहाँ से गए थे। मेरी पत्नी बीमार है कोलकाता में, तो उनका वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम अकेले रहते थे। हम गए और ताला लगी हुई थी, तो ताला दरवाज़ा का टूटा हुआ था। भीतर गए हैं, सब चीज़ ईच एंड एवरी थिंग को उठा उठा कर खोल के सब खुद छिजाए हुआ है। पूरा सा हर एक सामान को फेंके हुआ है और 2 अलमीरा था जिसको तोड़ दिया है, उसका लॉकर टूटा हुआ है। दीवार में जो अलमीरा बनाते हैं लोग, उसमें था, उसको भी तोड़ करके हटा दिया है। सब सामान सब जो बेस कीमती सामान जो था उसको सब ले गया है, जिसमें कुछ स्वर्ण आभूषण था, चांदी का सामान सब था, थाली बाटी गणेश लक्ष्मी पैर धोने वाला नारियल स्वर्ण चांदी का पान और हीरा जड़ी अंगूठी था, कान वाला 5 सेट था, फिर नाक का था, सब में हीरा जड़ा हुआ था। कुछ कपड़ा जो बेस कीमती कपड़ा था, जैसे शेरवानी था, लहंगा था, सब ये सब ज़्यादा सामान बेटा की जो शादी हुई थी उसका गिफ्टेड सामान सब था, बहू का सामान था, और मेरी छोटी बेटी जो उसका दुरागमन होना बाकी था उसका सामान सब था। उसमें 10 किलो का करीब चांदी का सामान था, 10 किलो से ऊपर का फूल का सामान था, थाली बाटी ग्लास ये सब का जो सेट होता है ये सब ले गया है। तो लैपटॉप ले गया है, बच्चा सब जो पैसा जमा करता है गुल्लक में, वो गुल्लक में भी करीब 5,000 रुपया था सिक्का सब, तो वो सब ले गया। और कैश जो पत्नी बचा के रखती है। आपको बताएं कि रात में चोरों ने मकान का ताला तोड़ दिया और घर में घुसकर सोने चांदी हीरे के जेवर और कपड़े समेत करीब 1 लाख नगद चुरा लिए। तो ये बड़ी खबर जो है इस वक्त दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के घर में इस वक्त ये चोरी हुई है। चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और बीती रात जब घर में कोई नहीं था, घर में ताला लगा हुआ था, उस वक्त इस बड़े घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।